बुलंदशहर में मंदबुद्धि युवक ने फावड़े से 5 किसानों को काटा। आते जाते राहगीरों को भी निशाना बना रहा है। मंदबुद्धि युवक उपचार के दौरान 2 किसानों ने तोड़ा दम। खेतों में काम कर रहे हैं किसानों पर भी फावड़े से किया हमला। एक महिला समेत 5 किसानों पर फावड़े से किया हमला। 2 किसानों की उपचार के दौरान बताई जा रही है मौत। खानपुर थाना क्षेत्र के माजरा परवाना गांव का यह मामला सामने आया है। रिपोर्टिंग न्यूज मोहम्मद इफरीदी इदरीसी, कैमरामैन मोहम्मद इरशाद के साथ स्पीड न्यूज 17 NCR से। देखिए, थाना खानपुर के माजरा गांव में एक मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब व्यक्ति के द्वारा फावड़ा लेके घर से निकला और रास्ते में जो लोग मिलते गए उनको घायल करता गया। कुल 7 लोगों को इसके द्वारा घायल किया गया, जिसमें से अब तक की जानकारी के अनुसार 2 लोगों की डेथ हो गई है और 2 जिला अस्पताल में आ गए हैं। शेष का इलाज PSC पे हो रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहाँ से वो भाग गया था मौके से। रास्ते में हमारी एक दूसरी टीम उधर से गुजर रही थी, भागते हुए आदमी को देखकर उधर रोकने का प्रयास किया तो उसके शरीर पर खून के छींटे थे, उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है और फावड़ा जिसका इस्तेमाल इसके द्वारा किया गया वो मौके पर है। पुलिस टीम वहाँ पर मौजूद है, एडिशनल SP CO वहाँ पर है। मैं जिला अस्पताल में हूँ घायलों के इलाज के लिए। अब इसमें 2 चीज़ उल्लेखनीय है। एक तो इसका किसी से कोई विवाद नहीं था। जो घायल हैं सब अलग अलग परिवार के हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा ये घटना की गई है।